किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। हम जब भी पौधों में खाद लगाते हैं तो अक्सर वो कैनोपी के पास लगाते हैं, यानी पौधे की दूर लगाते हैं जहां पर हमारी द्वितीयक जड़ें होती हैं। लेकिन अगर जिन भाइयों के यहां पर जो निमाटोड आ गया है तो उसमें खाद कहां लगाएं और किस प्रकार लगाएं, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको। अब तो आप ध्यान से, जो मैंने बताया था ड्रिंचिंग का एरिया, जितना ड्रिंचिंग का एरिया बताया था, पौधे की उम्र के अनुसार पौधे के तने से लगभग 8 इंच दूर तक, ये मेरा 1 वर्ष 4 माह का पौधा है, तो मैं लगभग 8 इंच तक यहाँ पर एक गड्ढा बनाऊंगा, यानी तने की जड़ों के पास। ये चूंकि जो बीमारी है, जो नीमाटोड है, वो यहीं पर सबसे अधिक मिलता है। आप ये मत डरिए कि थोड़ी जड़ें कट जाएंगी, ये देखिए, ये लगभग आपको 4 इंच गहरा करना है और 6 इंच तक मिट्टी हटानी है। इस प्रकार बनाइए और ये देखिए, ये जड़ें दिखाई देने लगी जहां पर। तो ड्रिंचिंग के 4 से 5 दिन बाद आपको फिर इस तरह का ये बनाना है और यहाँ पर खाद डालकर, जो भी हम खाद बताएंगे जिसमें दवाई भी होगी, वो खाद डालकर फिर इसको इसी प्रकार कर देना है और इसके बाद हमें पानी देना है। ये है तरीका। जबकि अमूमन हम जो खाद लगाते हैं वो तने से दूर लगाते हैं। जिनके यहाँ भी नीमाटोड है उन्हें नीमाटोड के पौधे में खाद यहाँ पर लगाना है और इस प्रकार लगाना है, ये ध्यान रखें। आइए, ये देखिए, अमूमन हम जो खाद लगाएंगे, ये स्वस्थ पौधा है, हम यहाँ पर खाद लगाएंगे और फिर मिट्टी डाल देंगे। ये एरिया ड्रिंचिंग का है, ये हमारे जो साधारण खाद का है। लेकिन अगर पौधे में नीमाटोड है तो हम खाद इस एरिया में लगाएंगे हटाकर। तो जो नीमाटोड का खाद लगेगा वो इस एरिया में लगेगा, इस बात को गांठ बांध लें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।